हरियाणा से हैं फरीदा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नमस्ते जय हिंद, स्वागत है आपका फरीदा जी। जी मैं पूछ रही थी, बेटा है 30 साल का, उसका एकदम से तुम का था ना, बैठे बैठे के एकदम से पता ना क्या ऐसा हो गया जैसे गिरने का पसीना आ गया। क्या हो जाता है मैम? अरे मैम पसीना आ जाता है, क्या होता है? बैठे बैठे चक्कर आते हैं? एक बार होया है पसीना आ गया और फिर ऐसे है जैसे चक्कर आ रहा है, जब मैं पढ़ूंगा तो फिर उसका बीपी चेक करा हमने, तो बीपी ऊपरला मिल गया 134 है और फिर नीचे वाला मिल गया 54 है, और फिर आखिरी से ये धड़कन मिल गई 45। ठीक है तो मतलब क्या करना चाहिए जी इसका? जी। बीपी कम और होता है? फिर हाँ, कम ज्यादा आधा होता एक रहता है घंटे और के बाद पसीने फिर आते हैं ठीक बैठे आ गया। बैठे, चक्कर आने लगते हैं। हाँ, एक बार बीपी दोबारा से बताइए। जी 134 है 134। उस टाइम पर, और फिर सामने निचले वाला, और फिर ये धड़कन थी ये थी 45 है। 145। हाँ, और फिर आठ घंटे घंटे के बाद लगता ना, फिर आ गया 122 है, और फिर वो 80 होगी, फिर वो धड़कन भी बेहतर बनेगी। 130 या 35 अगर ऊपर का बीपी है तो वो ज़्यादा नहीं है, और नीचे का अगर आपका 80 है, 70 है, 90 है तो भी ज़्यादा नहीं है। होना तो चाहिए 120 और 80, नीचे का 80 और 120 ऊपर का, लेकिन दुनिया का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो उसके हिसाब से 130 से भी नहीं डरना चाहिए। 135 भी थोड़ा फ्लेक्सेशन होता है कि कोई मशीन में ख़राबी हो, कुछ हो, तो 5-10 कम बढ़ती भी हो तो घबरानी चाहिए। हाँ, पल्स जो है वो अगर 75 के करीब है तो अच्छी मानी जाती है। पल्स जब 100 से ऊपर बढ़ती है तो घबराहट होती है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और उसका ख्याल रखें। बच्चा अभी बहुत उम्र तो नहीं है, और कोई ऐसी बात अगर इत्तेफाक से हो गई है तो ये कोई डर की बात नहीं है। कोई ऐसा ख्याल हो, किसी चीज़ से डर रहा हो, किसी चीज़ का दबाव हो किसी बात का, तो एक बार हो गया तो कोई बात नहीं। और जैसे जैसे हमारे ज़िंदगी में कोई बड़ी छोटी बातें होती हैं तो ये होता है, लेकिन उसी वक्त ठीक हो जाता है। अगर ये बार बार हो रहा है तो फिर आप फिक्र करें इसकी और इसका इलाज करें। एलोपैथिक दवा आप ले ही रहे होंगे, और एक आता है नमक जैतून और एक आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा आपके किचन में है, नमक जैतून आपके को लेना पड़ेगा असली, एक एक चुटकी लें और पानी में मिला के दिन में एक बार या दो बार खिला दें। धनिया के पाउडर के साथ आधा चम्मच धनिया का पाउडर और एक एक चुटकी ये खाने का सोडा और नमक जैतून असली दिन में एक बार या दो बार दीजिए, और फिर रोज़ाना जब भी इनका बीपी करें तो ऐसा नहीं हो कि ये कहीं चल के आए, भाग दौड़ के आए, ये तब किया, ये आराम से बैठे हों और उस वक्त करें। दिन में कम से कम 5 बार बीपी हर 2 घंटे में, और फिर वो लिख लें, हर बार का बीपी लिख लें, तो फिर आपको याद भी रहेगा, अंदाज़ा भी रहेगा, और 2-3 महीने ये दवा दी जाए तो फ़ायदा मुमकिन है।